ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करूंगा सब्लाइम एडिटर एंड एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं सर। सन और कोई कंट्रोल है कंट्रोल है। अच्छा डेस्कटॉप पे आके मैं यहां पे सेव कर रहा हूं माय फाइल डॉट एचटीएमएल के नाम से एंड यहां पे एचटीएमएल का सिंटैक्स लिख लिया। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट टैग की। अच्छा पहली चीज अभी आज हम पढ़ेंगे डॉम के बारे में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, लेकिन ये है कि उससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के नाम से। ठीक है, ओवरलोडिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट में अलाउ नहीं है, मतलब वो होती नहीं है जावास्क्रिप्ट में। उसकी भी एक रीज़न है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बस आप ये समझ लो कि होती है कुछ ना कुछ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं होती। लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस के लिए आपके काम आएगा। ओवरराइडिंग जो है, ओवरराइडिंग वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको पता है आप क्लास बनाते थे इस तरह से बनाते थे क्लास और आगे क्या नेम लिखते थे जो भी क्लास का नाम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई क्लास, ये स्टार्ट होगी क्लास। अब यहाँ पे आप दरमियान में फंक्शन लिखते थे, फॉर एग्जांपल F1 के नाम से भी फंक्शन बना लिया। ठीक है, F2 के नाम से बना लिया, जो भी फंक्शन आपने बनाने आप इस तरह से बना रहे थे। क्लियर है। अब पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या है ओवर दो फंक्शन बना देता हूँ सेम नाम, ऊपर भी F1 और नीचे भी F1। पहली जो चीज ये है कि नीचे वाला जो F1 है वो चलेगा और इस चीज को हम जो है इस सिनेरियो को हम बोलेंगे ओवर राइडिंग। मतलब कि एक फंक्शन जो है वो ऑलरेडी बना था, हमने उसी नाम से एक नया फंक्शन बना दिया, उसको हम ओवर राइड कर रहे हैं। यस, हम वेरिएबल की हम मसलन एक्स की दो बार वैल्यू दे देते हैं, नीचे वाली वैल्यू जल्दी भी उसे भी ओवर राइड कर देते हैं, वही काम है। लेकिन इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो कंसेप्ट है, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ। फर्ज करो कि एक और क्लास बनी हुई है माई क्लास 2 के नाम से और ये एक्सटेंड कर रही है माई क्लास को, ऊपर वाली क्लास। अब उसके अंदर F1 बना हुआ है, इसके अंदर भी हम F1 को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि हमने एक्सटेंड किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ भी एक F1 बना देता हूँ, ये भी ओवरराइडिंग, तो ये भी ओवरराइडिंग है। मतलब कि अगर मैं इसमें भी इसकी वैल्यू चलेगी, लेकिन अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फिर ये चलेगा, और अगर मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करूंगा फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। तो ये ओवरराइड हो चुका है बेसिकली। अगर ये क्लास के बाहर वैसे बन जाए फंक्शन वगैरह, मतलब ये तो क्लास के बाहर, वो तो सेपरेट सिनेरियो वाला है। बाद हो रही भी क्लासेस के अंदर जो फंक्शन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाहर आगे लिखोगे F1 तो इस तरह से काम नहीं करेगा जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे क्लास का। ठीक है, अगर हम सेंड ना लिखें तो इधर भी F1 बना दे, इधर भी F1 बना दे, तो फिर तो बात ही खत्म है ना। फिर ओवरराइडिंग फिर कहाँ से होगी? फिर ओवरराइडिंग नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अलग क्लास में है, वो अलग क्लास में। ये मैंने इसलिए एक्सटेंड किया था क्योंकि एक्सटेंड करने से इस क्लास का जो F1 का फंक्शन है वो ऑलरेडी इस क्लास में आ गया। अब हमने इस क्लास में एक और F1 का फंक्शन बनाना है, तो ये जो है ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, अब होती है ओवरलोडिंग। एक होती है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें सिनेरियो का डिफरेंस है वो ये, ओवरराइडिंग के अंदर आपके पास फंक्शन बिल्कुल सेम होता है। और अगर फर्ज करो कि F1 के मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया है A एंड B, दो पैरामीटर्स दिए हैं, और फर्ज कर लो ये इंटीजर टाइप का, आपको पता है यहाँ पे तो इंटीजर वगैरह इस तरह कुछ होता नहीं है, लेकिन फर्ज कर लो है, तो यहाँ पे भी सेम टाइप का ही वो होगा पैरामीटर। इस चीज को भी स्ट्रिंग है तो फिर ओवरराइडिंग करेगा। इस चीज को हम बोलेंगे ओवरराइडिंग, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ओवरराइडिंग। अब अगर हम आप वाली बात की, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है और ऊपर क्या है इंटीजर, और इंटीजर तो फिर भी ओवरराइडिंग। अब इसको हम ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग अब क्या होगा? अब इस फंक्शन को तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम करेंगे काम वही है, इसी फंक्शन को यूज करेगा, लेकिन अब की बार वो इंटीजर लेगा और सेकंड पैरामीटर में वो एक स्ट्रिंग लेगा, जबकि यहाँ पे वो क्या कर रहा था? इंटीजर ले रहा था। अब जावास्क्रिप्ट में ये वाला ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये वाली टाइप्स हैं, वो टाइप्स है ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं आप कर सकते, लेकिन वो उसको पता चल जाएगा ना कि स्ट्रिंग है ये चीज़। हाँ, लेकिन आप किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग बना लो, किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी वैल्यू दे दो, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लेकिन ये है कि आप इसको समझ लो, माइंड में रख लो कि ये होता है। So, अभी के लिए हमारी जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट थे वो तो काफ़ी हद तक क्लियर है। कुछ और चीज़ें जो हम PHP में जाके करेंगे यहाँ पे भी हम नहीं करने वाले उनको,
पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, एक दो और चीज़ें हैं जो आपकी भी रहती हैं क्लासेस में, वो हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि अभी के लिए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं डॉम के ऊपर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे, और इस पर मैं आपको मतलब इतना कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ने वाली भी चीज़ नहीं है कि जितना कमाल पढ़ने पैन वाली, ठीक है। रीज़न उसकी रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपने पढ़ा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ही पार्ट है। आपने पढ़ा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट शो कर मॉडल, हाँ सही है, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम बाय टैग नेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉम में ही आती हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। सो मैं ये डब्ल्यू सी स्कूल से आपको इसका ओवरव्यू करवाता हूँ, जे एस डब्ल्यू सी स्कूल से यहाँ पर लिखूँगा तो जावास्क्रिप्ट की जो लिंक है वो आ जाएगी मेरे सामने, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ डॉम, और यहाँ से मैं चला जाऊँगा इसके इंट्रो में, देख लेते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में वो बोल रहे हैं जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट है ना उसका आप ये समझ लो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये डॉक्यूमेंट है, उसके बाद एचटीएमएल का एलिमेंट आ गया, एचटीएमएल के अंदर हेड का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, हेड के अंदर टाइटल का टैग है, फिर उसके अंदर ये चीज़ है, फिर उसके बाद नोड्स में हर चीज़ का नोट हो जाती है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं नोड्स। तो देखो एक ये नोट है, इस नोट से मैं इसको एक्सेस करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है और मैं हेड के थ्रू कर रहा हूँ, तो मुझे बॉडी के अंदर आना पड़ेगा, बॉडी के अंदर आके तो फिर मैं ए टैग को कर पाऊँगा नोट, ऐसे ही है। जस्ट लाइक मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ तो आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट अगर किसी चीज़ को स्टाइल करना हो जे जे एस तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मेंट बाय आई डी, ठीक है, ठीक है, आई डी यहाँ पे जो भी होता है एक्स वाई जी वो आ जाता है। अगर आप इसकी वैल्यू पकड़नी है यहाँ पे लिखते हो वैल्यू, अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन लिखते हो, ऐसा नहीं करते कि डॉट डिस्प्ले नन लिखो, आप ऐसे लिखोगे ये काम नहीं करेगा, आपको स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन लिखना है, क्योंकि पहले एक चीज़ पे आओगे ऊपर वाली चीज़ पे फिर अंदर वाली चीज़ पे, तो उसके स्टाइल खत्म हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, यानी पहले स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल डॉट में यहाँ पे आप कलर कर देना, अच्छा ठीक है। अच्छा बात करते हैं नीचे यहाँ पे आते हैं, JavaScript can change all the HTML elements in the page. Already आपको पता है JavaScript can change all the HTML attributes in the page. जितने भी HTML के elements हैं उनको change कर सकता है, attributes को change कर सकता है, CSS के styles को change कर सकता है, can remove existing HTML elements and attributes. उनको हम remove कर सकते हैं, ठीक है, can add new HTML elements and attributes, ठीक है, नहीं भी add कर सकते हैं HTML elements in the page, can react to all existing HTML events in the page, on click, on change, ये वो हर चीज़ पे कर सकते हैं, JavaScript can create new HTML events in the page. अच्छा अब आप यही सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हो, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नेक्स्ट इसमें आ जाता हूँ मैथड्स में। सो पहली चीज़ जो सीखने के लिए यहाँ पे है वो है इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, किस आई डी को यहाँ पे गेट कर रहे हैं, डेमो को, डेमो एक पैराग्राफ का आई डी है जो कि एम्प्टी है, उसकी इनर HTML मतलब यहाँ पे वो ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, तो उन्होंने लिखा डॉट इनर HTML इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, अब क्या होगा ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली जब ये रन होगा कोड उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर लिखी जाएगी, जबकि पैराग्राफ को खाली था, खाली था, उसके अंदर वो फिल हो चुका है, क्लियर है, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी ये भी पढ़ी हुई है, बताने की मतलब इतना कोई जरूरत नहीं है, पड़ी हुई है मेरे लिए वही चीज़। डॉम डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स, फाइंड करना किसी भी HTML के एलिमेंट को किस तरह कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, अगर आप उसके ब्रैकेट्स में आई डी जो होता है वो लिख देते हो, डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग उसका जो कि नेम है वो लिख देते हो, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम उसका नेम लिख दो, क्लियर। चेंजिंग HTML एलिमेंट, चेंज करना है तो आपने पढ़ा डॉट इनर HTML, पढ़ी है ना डॉट इनर HTML, मतलब कि किसी भी टैग के अंदर HTML है उसको आपने चेंज करना है तो आप इनर HTML का यूज़ करोगे। एलिमेंट डॉट आगे एट्रीब्यूट का नाम, मतलब कि जैसे वैल्यू एक एट्रीब्यूट है इनपुट का, इनपुट की वैल्यू को आपने चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, आगे वो इनपुट का आई डी आ जाएगा, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एट्रीब्यूट की जगह पर जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, मतलब जैसे इमेज का सोर्स चेंज करना है तो हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, इमेज का आई डी आ गया, डॉट एस आर सी इक्वल्स टू जो भी आपके एट्रीब्यूट का नाम है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से
अगर आपको भी सी एस एस में चेंजेस करनी है तो आप लिखोगे स्टाइल डॉट, जो भी प्रॉपर्टी का नाम है, कलर है, बैकग्राउंड है, कुछ भी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अच्छा एक ये भी मेथड है, इसके थ्रू भी आप काम ये वाला कर सकते हो। सेट एट्रीब्यूट का एक मेथड है, इसके थ्रू क्या करते हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड ही नहीं है, ऐड ही नहीं है, आपने उसको ऐड करना है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। मतलब मुझे एक इमेज है उसके ऊपर विड्थ का एट्रीब्यूट मैंने बाय डिफॉल्ट नहीं दिया, मैं चाहता हूँ एक बटन पे क्लिक हो तो उसके ऊपर विड्थ अप्लाई हो जाए उसके एट्रीब्यूट के थ्रू, तो मैं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखूंगा जो कि है विड्थ, उसकी वैल्यू लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल की वहाँ पे विड्थ वाला जो एट्रीब्यूट है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, किस एलिमेंट पे जो यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। अच्छा, इस तरह से करना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट है बाय आईडी, फिर से बात आ जाएगा डॉट सेट एट्रीब्यूट, अगर एट्रीब्यूट का नाम होगा। अब ये क्या है, ये भी नीचे इसकी एग्जांपल्स भी होंगी, वो भी जरा देख लेते हैं। एडिंग एंड डिलीटिंग द एलिमेंट्स, ये आपने भी नहीं देखा, मैंने देखी है वो, एक आपने ये वाली चीज़ नहीं देखी थी सेट एट्रीब्यूट वाली, एक आपने ये चीज़ें अभी तक नहीं देखी। अब क्या ये आपने देखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखा ना, ये क्या करता है, एचटीएमएल में ये आपको डॉक्यूमेंट में शो करवा देता है सिंपल। रिप्लेस चाइल्ड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट आप लिखते हो और फिर आपको एक न्यू टैग नेम बनाना है जो कि आपकी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी बना ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्रिएट एलिमेंट लिखोगे, इसके थ्रू वो बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दरमियान में आप एलिमेंट का नाम लिख दोगे, मतलब H1 H2 पैराग्राफ इमेज जो कुछ भी बनाना है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे है रिमूव चाइल्ड, किसी भी एलिमेंट को अगर मैं आप लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड और आगे लिख देता हूँ उसका उस एलिमेंट का नाम, तो उसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड का मतलब समझते हो क्या, अपेंड ये है कि एक ही ऑलरेडी डिव बनी हुई है, ये एक ऑलरेडी डिव बनी है, इसमें फर्ज करो मैंने ये एक लाइन ऐड करनी है, ये वाली एल आई ऐड करनी है, अब फर्ज करो ये एक यूएल है, ये एल आई है और मुझे एक और एल आई ऐड करनी है इसी डिव के अंदर, तो मैं इस डिव का नाम यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर, उसको बोलूंगा कि इसके अंदर एक अपेंड कर दो चाइल्ड कौन सा एल आई। ठीक है, इसके बाद है डॉट रिप्लेस चाइल्ड, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर एक चाइल्ड पड़ा हुआ है ये वाला, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और से, मैं यहाँ पर रिप्लेस चाइल्ड का जो यूज़ करूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आपको ऑलरेडी आइडिया है, यही सारी चीज़ों की एग्जांपल होगी नीचे देख लेते हैं। उससे पहले आप ये भी देख लो, अभी ऊपर बात हुई कि जितने भी एचटीएमएल के इवेंट्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं डॉम के थ्रू, तो पहली की चीज़ ये अभी तक जो हम इवेंट्स पढ़ते रहे हैं उस पर डॉम का मसलन कोई टैग शैग कुछ भी नहीं आना है, सिर्फ यही चीज़ है, यही चीज़ है। ये देखो इधर मैंने एक बटन, डॉम एक कॉन्सेप्ट का नाम, अगर मैं आप लिखता हूँ क्लिक हियर, इस बटन पे मुझे ऑन क्लिक के ऊपर कुछ करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर लिखता हूँ ऑन क्लिक इक्वल्स टू अलर्ट कर दो हेलो वर्ल्ड या कुछ भी जो भी करवाना है या कोई फंक्शन रन करना है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही। सो अगर मैं ये इस तरीके से नहीं करना चाहता, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसका मैं एक आईडी बता दूँ BTN1, यहाँ पर मैं आगे बता दूँ कि BTN1 के ऊपर जब क्लिक होगा तो फिर तुमने क्या करना है, समझ लगी, वो करवाने का तरीका ये यहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे इसका आईडी आ जाएगा डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक फिर उसके बाद वो फंक्शन चलेगा। किस तरह से ये देख, पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं बता रहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी है, BTN1 डॉट ऑन क्लिक फंक्शन। अच्छा मुझे अब आप ये देखो तो ये jQuery के सिंटैक्स मुझे लग रहा है, हाँ इस तरह से यहाँ पे काम नहीं करेगा, इस तरह jQuery में होता है, इसको मैं ऐसे ख़त्म कर रहा हूँ, उसने भी तो नीचे नहीं उन जेस की है ना, इसीलिए तो वापस कर रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन आएगा, फंक्शन का आप नाम कोई नहीं रखोगे, सिंपल आप इस तरह ब्रैकेट ऑन कर दोगे, ऑन करने के बाद आप यहाँ पे इसके अंदर जो भी कुछ करवाना है आपने वो करोगे, उससे क्या होगा भला, सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना वो अलर्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरह से भी आप ये वाला काम कर सकते हो, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके ऑन क्लिक करो, क्लियर, ये भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ही है, पोर्टल एचटीएमएल वाला तो काम हो जावास्क्रिप्ट मॉडल है। अच्छा एक चीज़ ये फाइंडिंग एचटीएमएल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप इस तरीके से गेट कर सकते हो, जैसा कि आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स,
क्या लिखा है ना, ये बेसिकली क्या करेगा, इस HTML पेज के अंदर जितने भी हमारे ए टैग्स हैं उनको पकड़ के हमें ला देगा, फिर उन पे हम फॉर लूप लगा के उनको तमाम को डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिस तरह हम करवाना चाहें या जो भी उनके ऊपर हम करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट एपलेट्स, इसका मुझे आइडिया नहीं है और वैसे भी ये डेप्रिसिएट हो चुका है, ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बेस यू आर आई, बेस यू आर आई आपको लिंक पे भी इससे कंट्रोल पा सकते हैं कि पूरी डॉक्यूमेंट पे कितनी बार क्लिक हो तो ये लिंक को ओपन कर दो, नहीं तो ये वाला लिंक को ओपन कर दो, कर सकते हैं। हां ऐसे अब देखना यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इधर आके ना तो मैं एक काम ये करता हूं कि अलर्ट करवा लेता हूं डॉक्यूमेंट डॉट बेस यू आर आई को, डॉक्यूमेंट डॉट बेस यू आर आई यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेस यू आर आई से क्या हो रहा है, इसी बेस का जो ऊपर पूरा लिंक है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो फाइल स्लैश सी स्लैश यूजर स्लैश टोशिबा स्लैश डेस्कटॉप स्लैश जो भी पूरा लिंक है दो तीन स्लैश, हाँ फाइल में इसी तरह फाइल में फर्ज करो कि हमें करंट पेज की URL गेट करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसके थ्रू करेंगे इस फंक्शन के थ्रू। आगे हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट बेस यू आर आई, हाँ बेस यू आर आई डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करोगे इससे आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया जाएगा आपकी पूरी बॉडी का, इसके अंदर जितने भी टैग्स हैं सारे सारे, हाँ ये है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, जितनी भी आपकी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुकीज यूज हो रही हैं, कुकीज़ क्या होती हैं बता रहा, ये देखो यहाँ पे सेव किया इसको, तो बेकरी में काम करते रहे तो मैं बता बहुत चंगी गल की कह रहे थे। अब मैं यहाँ पे क्लिक हियर करता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, बहरहाल अभी के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी से कुकीज को डिस्प्ले नहीं हो रही, मेरे पास सिक्योरिटी वगैरह ऐड होगी इसलिए शायद या हमने शायद इसको लाइव नहीं किया होगा। अच्छा ये सिनेरियो है कि जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो उसमें दो PHP के अंदर उसका बैकएंड होता है, लॉगिन लॉगआउट वाला जहाँ पे सिस्टम होता है ज़्यादातर, वहाँ पे क्या होता है कि दो सिनेरियो होते हैं, या तो फिर आप सेशन ऑन करवाओ या तो फिर कुकीज ऑन करवाओ। सेशन होता है 300 मिनट के लिए, हम जब काम करते हैं PHP में तो ज़्यादातर काम हम सेशंस के थ्रू करते हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कुकीज़ को यूज़ करती हैं, आप कुकीज़ में भी काम कर सकते हो, जैसे लाइक फेसबुक है, अब मैंने कुछ साल पहले की लॉगिन की हुई है, अभी तक मैं वहाँ पे लॉगिन हूँ, मैं अपने सिस्टम को क्लोज़ करूँगा दोबारा ओपन करूँगा फिर भी मैं लॉगिन ही रहूँगा, ये काम होता है कुकीज़ के थ्रू। वो क्या करते हैं कि जब भी आप पासवर्ड वगैरह आप एंटर करते हो आपका एक टोकन जनरेट करते हैं, उसको आपके सिस्टम में ही पीछे एक फाइल बनाते हैं उसके अंदर सेव कर लेते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, मतलब आप उस ये नहीं कि आपका पासवर्ड पीछे सेव हो जाता है, वो एक टोकन जनरेट करते हैं लॉगिन टोकन, उस टोकन को पीछे सेव कर लेते हैं आपके सिस्टम में, उसी के थ्रू बाद में जो है ना देखते हैं कि वो लॉगिन आपको करवाते हैं जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो। दूसरे नंबर पे ये जब भी आप कुकी बनाते हो उसका आपको एक्सपायरी टाइम डिफाइन करना पड़ता है, फेसबुक का अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का या 2 ईयर का कुकी टाइम होता है, तो मतलब आपने भी फेसबुक लॉगिन की तो हो सकता है कि 2 साल के बाद अगर आप दरमियान में कुछ नहीं करते उसको लॉगिन ही रहते हो बाद में, तो 2 या 3 साल जब भी उन्होंने जितना टाइम रखा होगा उसमें वो लॉग आउट हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप में भी लॉगिन हूँ तो इट मींस कि मेरी यहाँ पे कुकीज ऑन है, इवन दो जब आप सेशन में काम करते हो ना सेशन चाहे थोड़ी देर के ही होता है, सेशन में हम क्या करते हैं उस बंदे की इन्फॉर्मेशन या टोकन वोकन स्टोर करवा लेते हैं, लेकिन हम ब्राउजर में करवाते हैं, जब भी सिस्टम बंद हुआ ब्राउजर ने रिफ्रेश कर दिया उस चीज़ को वो काम खत्म हो गया, या ब्राउजर अगर ओपन भी रहा है, अक्सर बैंक्स की वेबसाइट आप देखते हो जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह चाहिए वो कुकीज़ में काम नहीं करते, आप लॉगिन करते हो आप सिस्टम बंद या इवन तो अपना ब्राउजर बंद करके दोबारा ओपन करोगे या फिर से दोबारा आपसे पासवर्ड पूछना पड़ेगा, ठीक है। सो अब जब आप सेशन भी ऑन करवाते हो ना वो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर उस सेशन को कुकीज़ में ही कन्वर्ट कर देता है, फर्ज करो कि मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ तो बजाय इसके कि मुझे मतलब मेरा पासवर्ड आपको नहीं पता व्हाट्सएप का क्या है या फेसबुक का क्या पासवर्ड है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ, अभी मैंने यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन की हुई है कुकी एडिटर के नाम से, ये एक्सटेंशन क्या करती है आपको तमाम जितनी भी आपके पेज में कुकीज़ यूज़ हो रही है ना वो आपको शो करवा देती है। सो अभी के लिए तो मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न नहीं मुझे पता, अब हो गया क्लिक। सो मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सी यूज़र के नाम से कुकी बनी हुई है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ओ के नाम से आता हूँ, ये सारे डिफरेंट टोकन यहाँ पे देख रहे हो स्टोर किए गए हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के अंदर मेरा लॉगिन मौजूद है, फेसबुक के लॉगिन जो है वो मैं इन्हीं के थ्रू हूँ। अगर मैं यहाँ से सारी कुकीज़ को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं किसी दूसरे सिस्टम में इंजेक्ट कर देता हूँ, तो मैं विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो जाऊँगा उस सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसी फेसबुक अकाउंट। उसकी रीज़न ये है कि जो कुकीज़ यहाँ पर पड़ी थी वही मैंने निकाल के वहाँ पर रखी। सो अब बात रही, इसीलिए जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि दिस वेबसाइट यूज़ कुकीज़, सो डू यू वांट टू अलाउ कुकीज़ और नॉट, तो येस या नो पे आप क्लिक करते हो। अगर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो तो देन फिर ये है कि आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हो, डिक्लाइन पे क्लिक करते हो तो वो फिर आपको वेबसाइट से वापस भेज देता है, ठीक है, जो वेबसाइट कुकीज़ यूज़ कर रही होती है। सो अगर मैं क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली अभी तो कुकीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन स्टिल कुकीज़ को रिटर्न करने के लिए या तो फिर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का, या उसके अलावा PHP का मेथड होते हैं कुकीज़ के लिए $_cookie के नाम से, उसका यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, आगे है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, ये डॉक्यूमेंट की टाइप जिस लाइक हमारी डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है वो रिटर्न करेगी। डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉक्यूमेंट मोड डॉक्यूमेंट यूर, ये आप डिफरेंट ऐप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। डॉट इम्बेड्स लिखोगे तो जितने भी आपने आईफ्रेम्स यूज़ किए होंगे ना वो आपको वहाँ पे निकाल के ला देगा। डॉट फॉर्म्स लिखोगे जितने भी आपके फॉर्म्स यूज़ हाँ, आईफ्रेम वेबसाइट किसी और को अपनी वेबसाइट में प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिस लाइक यूट्यूब की वीडियो मैंने अपनी वेबसाइट में ऐड कर दी। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल याद आ गया, ऐसे ही है। डॉक्यूमेंट डॉट हेड में क्या है, हेड एलिमेंट जो है वो रिटर्न होगा, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। डॉक्यूमेंट डॉट इमेज से IMG एलिमेंट्स आएंगे, लंबी एक लिस्ट है, सर्च करके की मतलब की करना है, जो भी करना है आपको जरूरत पड़ती है कोई तो आप कर सकते हो। चीज को ब्लैक कर देना, चेनिंग आनी है, चेनिंग कर लो जो मर्जी कर लो, डिस्प्ले करवा लो जो मर्जी कर लो, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, HTML डोम एलिमेंट्स अभी आपने पीछे पढ़े, ID टैग नेम क्लास, लेकिन एक और आ जाता है जो आपने अभी नहीं पढ़ा, CSS नाउ करनी है, की बोली जा रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे चाहिए इसकी बेस URL, जो भी मेरा पेज ओपन है इसकी URL चाहिए, तो कौन सी डिव बनाओगे, कहाँ पे क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, तो कॉपी कर लेते हैं, तुमने वहाँ कोड के अंदर पेस्ट कर दिया, यही वेबसाइट जब किसी और सर्वर पे लाइव होगी तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे भी फिर से कॉपी पेस्ट करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स हैं, डोम एलिमेंट्स, डॉक्यूमेंट गेट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आपने पढ़ लिया, डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्लास नेम पता है इसका, एक ये न्यू चीज़ आपके लिए आई है, CSS selector, मतलब ये आप ना CSS के अंदर तो इस तरह भी सिलेक्ट कर पाते थे कि भाई बटन है फिर स्पेस देते थे थोड़ी सी, कि या तो फिर यहाँ पे UL लिख देता हूँ, UL के अंदर एक LI है और उसके अंदर बिल्कुल जो पहला एड आ गया उसके ऊपर अप्लाई कर दो कुछ इस तरह से, तो ये जो आपने चीज़ लिखी है तो सिलेक्टर है पूरा का पूरा, यहाँ पे लिखते थे कि UL के ऊपर पावर के ऊपर ये चीज़ कर दो, यहाँ डिफरेंट तरीके से ना वहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ये कर दो, समझ लग रही है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट लेटर को कर दो। अब ये सारे जो सिलेक्टर्स हैं इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, या उसके अलावा आप यहाँ पे लिखते थे ID अगेन जो भी ID होता था, ठीक है, या क्लास लिखते थे डॉट कुछ भी। सो अगर मैं ये चाहता हूँ फर्ज करो कि भाई एक UL है, मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कि एक UL है उसका ID होना चाहिए हैश नेम, उसके अंदर जितनी भी LIs हैं जिनका ID होगा मेन्यू आइटम्स, मैं भी मानो लिखता हूँ मेन्यू आइटम, इसके अंदर जो पहले पहले A टैग्स हैं उनके ऊपर ये वाला काम अप्लाई कर दो। तो CSS में तो मैं इस तरह लिख लेता था, JS में मैं ये कैसे करूँगा, वहाँ पे तो हम सिर्फ ID के थ्रू सर्च कर सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि इस नेव बार के अंदर से मेन्यू है तो ये। अब ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आती है क्वेरी सिलेक्टर की, किस चीज़ की, क्वेरी सिलेक्टर। तो जिस तरह आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID क्लास नेम टैग नेम, वहाँ पे आप लिखते हो ये क्वेरी सिलेक्टर आल, और इसके अंदर आप बिल्कुल वही चीज़ जो CSS में लिखते हो इसी को कट करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हो। ये पी इंट्रो की जगह, हाँ, पी डॉट इंट्रो का मतलब क्या है कि एक पैराग्राफ है उसके अंदर नहीं है, आप जाओ ऐसे इधर देखो, और नहीं नहीं अच्छा यार देखो, पी डॉट इंट्रो का मतलब ये नहीं है कि पी के अंदर एक इंट्रो वाली क्लास मौजूद है, इसका मतलब है कि पी ऐसा पी जिसकी क्लास इंट्रो हो,
अंदर का मतलब ये था, अंदर तब होना था जब यहाँ पे एक स्पेस ऐड होती पी के बाद, फिर होना था कि पी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसकी क्लास एंटर हो। सो बहरहाल क्वेरी सिलेक्टर आल के थ्रू आप इनको एक्सेस कर सकते हो और उनके ऊपर डिफरेंट जो टीटो पार्टियाँ हैं वो अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, उसके ऊपर जो भी करना है अच्छा। बाकी जो आपने भी ऊपर पढ़े इमेजेस तमाम गेट करनी है, एंकर्स गेट करने हैं, तकरीबन सारे एक ही तरह के हैं, लेकिन ये समझ लो कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखो कैसे कर रहे हैं। ये तो इन तस्वीरें ओपन की हैं, अल्लाह माफ करे। पर दो तस्वीरें लगाई हैं ना इन्होंने, एक ये तस्वीर है और एक ये। अब कर के रहे हैं वो देख लो पहले। यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी क्या है, डेमो ये वाला। ये ना स्टैंडर्ड है, पहले ध्यान से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी और आगे क्या है डेमो। डेमो उसने ऐड कर दिया। इस पैराग्राफ खाली है, इसके अंदर इसकी इनर एचटीएमएल में वो क्या चीज शो करवा रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस यहां पे लिखा आ जाएगा, फिर इसके साथ लिखा आ जाएगा document.images.length जिनी उन्होंने लेंथ की जितनी भी इमेजेस की लेंथ है, क्योंकि document.images के अंदर आ रही है अरे, ऑब्जेक्ट आ रहा है पूरा का पूरा। अब उन्होंने डॉट लेंथ लिखा है, आप अरेज में पढ़ चुके हो ना मेथड डॉट लेंथ, इसीलिए यहां पे शो हो रहा है 2। ऑटोमेटिक उसने दो गेट कर ली क्योंकि दो बने हैं। जी बिल्कुल ऐसे, अगर तीन होती उसमें तीन कर लेने के, एक होती है कर। हाँ, अगर मैं इसी को यहाँ पे पकड़ के कॉपी करना, ये दो और कर देता हूँ, टोटल चार बना लेगा, सब यहाँ पे चार आ जाएगा। अब मुझे अगर इनका नेम डिस्प्ले करवाना है, कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, मुझे इनका सोर्स डिस्प्ले करवाना है, सोर्स इस तरह से तो नहीं खैर वो करेगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा ना इसका कौन सा इंडेक्स है। मैं कहता हूँ जीरो वाले इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स क्या है, ये जीरो वाली इमेज का, फोर वाली इमेज का या थ्री वाली इमेज का, किसका मुझे चाहिए। या फिर मैं अगर सबको करवाना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगानी पड़ेगी ना। आई इक्वल्स टू है जीरो के, आई जस्ट लाइक क्या करेंगे कि इसकी लेंथ है जितनी, बिल्कुल आप बता दे तो वो नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। सब ये करेगा क्या, इसी चीज को रन करेगा, बट यहाँ पे जो हम ये है ना इसकी जगह लिख देंगे आई और प्लस, मैं यहाँ पे एक डीआर भी दे देता हूँ ताकि वो अगली लाइन पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस नहीं कह रहा था, यहाँ पे आना चाहिए था नेम, लेकिन ये चार दफा क्यों नहीं चला, रन करोगे तो चल जाएगा। चार के भी है क्या, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, आई जब तक छोटा है किसके डॉट लेंथ के, लेंथ दे आई दिख रहा है, वो इधर तो मुझे सोर्स को करवाना ना, डॉट सोर्स नहीं है, अगर एक मिनट रुको, टाइम में समझ आ गई, समझ तो आगे बड़े काम की नहीं कर रहा, फिर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू ऐड कर देता हूँ ना, क्योंकि वो एक ही पैराग्राफ के अंदर पहले एक डाल रहा है दूसरा, हाँ प्लस इक्वल टू लिखूंगा ना तो सारे आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब मुझे नेम ऑफ द इमेज सिर्फ एक दफा शो करवाना होगा तो मैं उसको फॉर्म से बाहर लिख दूंगा, तो वो एक दफा शो करवाएगा। जिस तरह आप इमेजेस, आप इवन दो यही वाली चार इमेजेस अगर आप चाहते हो कि यहीं पर छोटी करके शो हो जाए करवा सकते हो, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, इस तरह सेम आएगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा आई एन जी, आई एन जी का टैग ओपन किया, सोर्स आ गई आगे, और सोर्स में मैं क्या करूँगा, क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस डॉट एस आर सी, वेट आ जाएगी
कितनी लिखे मैंने 100 एंड स्टाइल भी लिख देते हैं इसको थोड़ा सा क्योंकि स्टाइल के अंदर ही विड्थ ऐड कर देते हैं ना स्टाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ विड्थ जो है वो इसकी होगी 50 पिक्सल्स और बॉर्डर जो है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड सो लेट्स सी होता है या नहीं होता सिस्टम क्या हो गया अब हम जो है ना दोबारा करते हैं मेरे ख्याल से वो हैंग शैंग हो गया कुछ इस तरह का सिनेरियो हुआ कहीं इन्फिनिट लूप तो नहीं चल रही लूप तो वही चल रही फॉर लूप आ गई आई इक्वल्स टू जीरो जीरो आई जब तक लेस देन है किससे जीरो से डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस डॉट लेस देन से आई प्लस प्लस यहाँ से मैं खत्म करूँगा फिर आ जाएगा प्लस इक्वल्स टू आई एन जी एस आर सी इक्वल्स टू क्या आएगा डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस डॉट सोर्स इमेजेस की आई डॉट एस आर सी जो भी वो चल रहा है इंडेक्स उसी के पकड़ना ना उसके बाद स्टाइल आ जाएगा स्टाइल में मैं आप लिख दूंगा विड्थ जो है वो कर दो 50 पिक्सल बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो लेट्स सी के अब यहाँ पे डिस्प्ले होती है एक क्या हो रहा है बार बार बताओ चलो मैं तो प्ले जैसे मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ ना वो हो रही है हैंग हो रहा है बट बाय ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੈਕਸ ਕੀ ਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹ ਅਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜਰਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਰੇ ਤਾਂ 0 ਆਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਾਟ ਇਮੇਜਸ इसमें रखना है इस पेज में क्योंकि इमेजेस तो इधर लगी हुई है डॉट लेंथ और फिर क्या करेगा आई प्लस प्लस पहले तो हम ये कर रहे थे कि यहाँ पे ना उसका एसआरसी डिस्प्ले करवा रहे थे ऐसे ही कर रहे थे ना और यहाँ पे लिख रहे थे प्लस इक्वल्स टू और दो है ना ये एक आ गया बी आर के छोड़ो अब हमने ये करवाने नहीं अब हमने इमेज करवानी है तो इमेज ये पड़ी तो ही है मेरे आई एम जी का यहाँ पे मैंने टैग डाल दिया आई एम जी का जो ही मैं यहाँ पे टैग ऐड करूँगा तो क्या होगा इसी में मसला आ रहा है मसला ये है कि हम इसमें चला रहे हैं ना उस चीज़ का सिर्फ मसला आ रहा है वो भी इशू नहीं आ रहा हम अपने सिस्टम पे ज़रा कर लेते हैं यहाँ पे मैं ना दो कोई इमेजेस ले लेता हूँ यहाँ पे आता हूँ सारे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे इमेज वी आर इमेज इधर इमेज आ जाएगी फॉर एग्जांपल कौन सी वाली लोड होती है तो फिर इसको बोलते हैं सेकंड नंबर पे जो इमेज आएगी वो मैं यहाँ से ले उठा लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस ये यहाँ पे दो इमेजेस आ रही हैं ठीक है इनका मैं विड्थ थोड़ी अप्लाई कर देता हूँ इनको मैं विड्थ दे देता हूँ 400 नहीं 200 इस तरह से डिस्प्ले हो रहा मैं चाहता हूँ ये इमेज जो है ना छोटी करके भी डिस्प्ले हो रहा है नीचे जो है ठीक है तो मैं अब क्या करूँगा कि स्क्रिप्ट यहाँ से लेने वाला हूँ स्क्रिप्ट में क्या लिखूँगा फॉर लूप लगाऊँगा किस पे लगाऊँगा
images dot length not images dot length हम यहाँ लिखेंगे document dot images dot फिर i plus plus अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक पैराग्राफ हमने लिया था ना अब हम एक div ले लेते हैं IDs का आउटपुट रख देते हैं इसके अंदर हम मोबली इमेजेस को ऐड कर देंगे ठीक है किस तरह से करना है इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल्स टू किसके टैग के आईएनजी एसआरसी इक्वल्स टू किसके हो जाएगी एसआरसी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस की आई डॉट सोर्स एसआरसी पहली चीज हमने सही बताई वाओ बड़े चलता क्यों जा रहा है मुझे इस चीज की समझ नहीं लग रही उसकी बात नहीं कर रहा मैं इमेज के टैग की बात कर रहा हूँ हम इमेज का टैग ऐड कर रहे हैं ना तब ये मसला कर रहे हैं देख रहे हो देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ फिर क्या होता है क्या चलेगा इमेज का भी मसला आ रहा है या इन कॉमास का इशू आ रहा है क्या मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो आता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई जी इसको दो दफा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए चल रहा है दो दफा एक्स वाई जी को करवा रहा हूँ और अगर मैं दो दफा ये कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस डॉट एस आर सी और इमेजेस की यहाँ पे लिख देता हूँ आई क्या होने वाला है दो बार इसकी वो भी आ रही है मतलब अगर ये देखो ना यहाँ पे मैं प्लस वो भी कर देता हूँ यह भी अप्लाई हो रहा है फिर इसका मसला क्या है मसला था क्या कहते हो आप आईएनजी के टैग ऐड करने से कुछ हो रहा है जी शो होते तो यार एक मिनट रुकना मुझे नहीं लग रहा कि हमें इसके थ्रू करना चाहिए इमेज के टैग वैसे होना तो चाहिए था कि लिए एक मिनट इमेज के टैग को ऐड करने के लिए भी हम एक चीज पड़ी थी ना डॉक्यूमेंट और कहीं हम आईएनजी का टैग क्लोज नहीं कर रही है तो मसला नहीं आ रहा वो आई भी दे आई मैं वहां पे क्लोज भी कर रहा हूं अच्छा चलो इमेजेस हम करवाते हैं यहां हम यहां पे ना h1 का टैग ओपन कर लेते हैं और h1 को भी हम यहां पे क्लोज भी कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड अब चलना चाहिए वो चलेगा तो फिर इमेज के टैग को क्या मसला है मसला सिर्फ इमेज के टैग पे क्लोज नहीं हो गया हां इमेज के टैग क्लोज नहीं होता मसला ये अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से अच्छा रुको एक क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं क्रिएट एलिमेंट कर दिया और फिर एट्रीब्यूट भी मुझे ऐड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ एक मिनट रुको इसको अगर हम ये इमेज का टैग देते हैं अच्छा दिस कॉज द ब्राउजर टू कीप यहाँ पे बोल रहे हैं द इशू योर एक्सपीरियंसेस इन द सेकंड कोड स्निपेट इज दैट जावास्क्रिप्ट कोड विद इन द स्क्रिप्ट टैग क्रिएट्स एन इनफिनिट लूप द लूप आइटरेट्स ओवर द डॉक्यूमेंट और इमेजेस कलेक्शन एंड यूजेस द समय लग गई मुझे क्या हो रहा है मसला पता है क्या हो रहा है नो 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 नॉट इमीडिएट नो हम फॉर लूप किस पे लगा रहे हैं इमेजेस की लेंथ पे इमेजेस की लेंथ पे जब ये लूप पहली दफा चलेगी तो क्या क्रिएट करेगी एक क्या एक इमेज को क्रिएट करेगी एक
इमेज को क्रिएट करेगी, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक और इमेज के टाइप का इजाफा हो जाएगा और इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब उससे अगली दफ़ा चलेगी तो उसको 4, 5, 6 इस तरह ये चलती ही रहेगी। इसीलिए वो ये काम कर रहा है। चलो हम इसके लिए फिर एक और हमारे पास हल निकला है जो हम निकाल सकते हैं। हम एक डिव बना लेते हैं, उसको हम आउटपुट की डिव के अंदर डाल देते हैं। ये देखना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू एक डिव। ये जो डिव है इसकी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ। इसकी जो वेट है वो होगी फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, हाइट जो है वो भी 50 पिक्सल होगी, और इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसके अंदर बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस की आई डॉट SRC जो है उसमें यहाँ पे शो हो जाएगा। और एक और चीज़ कि इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है कि बैकग्राउंड साइज कवर कर देते हैं। सो लेट्स सी नाउ, अब ये लूप तो चल रही है बट ये शो भी नहीं कर रहा साइज बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड इमेज URL यहाँ पे आ गई, डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस की आई डॉट सोर्स। लेट्स सी यहाँ पे क्या बन रहा है। इंस्पेक्ट करता हूँ, एलिमेंट्स में जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक इमेज बन गई। ये आउटपुट की डिव है ना, आउटपुट की डिव के अंदर क्या आ रहा है, नहीं आ रही यार। ये हमने सिंगल इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, विड्थ लिखी, हाइट लिखी, हाँ तो यही काम खराब हुआ है। यहाँ पे URL के अंदर जब हम देना है ना, हमने ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा दिया उससे ये यहाँ पे क्लोज हो गया, जबकि हमें ये वाली चीज़ ऐड नहीं करना थी और ना ही हमें ये यहाँ पे ऐड करना। एक मिनट ये बैकग्राउंड साइज जो है ना कवर, ये बाहर आएगा, ये आएगा यहाँ खत्म कर दो कवर ना होगा कवर वो अंदर लिख दिया होगा ना, कोमा के अंदर लिख दिया ये चीज। अब उन्हीं इमेजेस को गेट करके मैं यहाँ पे इस तरीके से शो करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप एंकर टैग्स भी पकड़ सकते हो, डॉट एंकर लिखने से फॉर्म्स पकड़ सकते हो, हेड पकड़ सकते हो, हर चीज़ें जो है यहाँ से गेट कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट हमने जो है वो करना है नॉर्म HTML, ये कॉल करते हैं। ओके ओके ओके।